यार सब्सक्राइब करो ना वो तुमती चैनल को और बेल आइकन हिट करना मत भूलना, ठीक है? जाओ और सब्सक्राइब करो वो तुमती। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है तो जाके कर लो यार, किसका वेट कर रहे हो। हेलो, अरे जानू जी कैसे हो? तुमको क्या लगता है यार मैं कैसा हूँगा? कैसे हो? मुझे क्या लगता है, आप बहुत खराब हो, बहुत ही बेकार। हाँ क्योंकि मैं आपकी बहुत तब खराब हूँ, मेरी आवाज से पता नहीं चल रहा मेरी हालत क्या होगी। हाँ जी, जब भी तो मैं पूछ रही हूँ ना, क्या हुआ क्या हुआ? वही सर्दी खांसी बुखार फीवर एंड ऑल दैट। बुखार फीवर ही की? हाँ। अच्छा सुनो क्या ना, क्या हुआ, तुमको मेरी केयर नहीं है क्या? क्या बोलो? केयर नहीं करोगी क्या मेरी? मेरी इतनी तबीयत खराब है। हाँ बोलो तो सही, क्या हुआ? बोला ना सर्दी खांसी और फीवर बुखार। ओ कैसे 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 लगती कैसे होता है? सर्दी? हर बार तो मुझे सर्दी लग जाती है, और अभी आपको लगी कैसे? मैंने मुझे ट्रांसफर लगा कर नहीं है, दिया। मुझे हुआ है। नहीं, मैंने ना अपनी सर्दी खांसी आपको ट्रांसफर कर दिया, पता है? कैसे वो कैसे मुझे पता है कैसे बताऊं? ना। अच्छा ये बताओ, बोलो। सच में आपकी तबीयत खराब है? नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूं ना। अच्छा, तबीयत खराब में भी आपको याद नहीं आती मेरी? अब इसमें तबीयत और इसका क्या कनेक्शन है यार? आप चिढ़ रहे हो यार, आप चिढ़ के मत बात करो ना तो बीमारी प्लीज। में कहाँ रोमांस उठता है? नहीं ना, मैं ठीक कर दूंगी आपकी तबीयत, पता है? कैसे ठीक करोगी? जादू से वो क्या होता है? करो, वो मेरे एक पास सेकंड में है मेरी फिर। बीमारी खत्म होनी चाहिए, ठीक है? नहीं हुई ना तो मैं कॉल कट कर दूंगा। ओ ऐसे नहीं, हाँ मेरे प्यारे से जानू जी को इतना गुस्सा क्यों आता है भाई? बीमारी में चिड़चिड़ होती है ना, थोड़ी ना नहीं रोमांस ना, जागता है। नहीं ना हाँ ना। ना। हाँ अच्छा ये बताओ, आपने मेडिसिन लिया? ले लिया? अच्छा तो अब क्या करूं मैं ऐसा जिससे आपकी तबीयत ठीक हो जाए? जो करना है करो, बस तबीयत ठीक करा दो डॉक्टर साहिबा। क्या करूं? क्या करूँ ओ लेडीज मैं हूँ। चलो आगे क्या है? क्या करूं हाँ, बोलो। क्या करूँ वो लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर। अरे कोई और भी प्यारा सा सुना दो सॉन्ग। मेरे को नहीं आता, मेरा इलाज कराओ। हाँ अच्छा जी। इलाज करूं तो सुनो, वो मेरे प्यारे 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 से जानू जी, आई लव यू सो मच। क्या हो? ये इलाज होता है ना क्या? मैं तो वैसा का वैसा हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा जाओ, मैं क्या? फोन रख रही हूँ। ये रख कौन लो सा, यार, तुम इलाज नहीं कर रही हो पता है। ये ऐसे थोड़ी होता है यार, आप थोड़ी सी भी तो बिल्कुल एकदम से वो चिढ़ रहे हो, आप क्या बोलूं मैं? तो ऐसा बोलो बीमारी में वाले मेरे बच्चों, आज मैं पप्पी खोलता हूँ, तुमको भी सर्दी लग जाएगी। हाँ मुझे लग जाएगी, फिर क्या, फिर आपको केयर करनी पड़ जाएगी, पता है? हाँ ना, पहले मैं खराब और तुम खराब, दोनों खराब। तो क्या बोलो, करो करो कुछ इलाज करो मेरा। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, पता है? बताओ पहले आप रिप्लाई दोगे जब। कौन सी चीज़ का रिप्लाई? गंदे, अभी मैंने क्या बोला आपको? है क्या बोला? मेरे को नहीं याद। जाओ तो, मुझे नहीं अच्छा बात लव यू टू, करना चलो बोलो जल्दी। ना, ऐसे नहीं। बोलो ना प्लीज, परेशान ना करो प्लीज।
पता है ना, जब मैं गुस्सा नहीं करता यार, तो तुमको भी गुस्सा आ जाता है, तो चलो बोलो चुपचाप। पता है मैं क्या? ना डॉक्टर के पास जा रही हूँ, ठीक है? आपको याद है मैंने बताया था ना अपेंडिक्स वाली बात, हाँ यहाँ थे। और साथ में मेरे पापा की भी तबीयत खराब हो रखी है, तो हाँ। मैं, पापा और मेरा भैया, हम तीनों जा रहे हैं डॉक्टर के पास। अच्छा, कहाँ तो पे? पटना डॉक्टर अशोक कुमार है, ठीक है? उन्हीं अच्छा के पास से इलाज चलता है पापा का। ओके। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे से मिल सकते हो। अच्छा क्या ठीक है। कब आ क्या रही हुआ? हो? कल? हाँ कल तो मीटिंग में रहूंगा मैं। क्या आप मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं? तबीयत खराब है ना, कैसे आ जाओ कल के कल? ऊपर से वो, अरे यार नहीं सुनो, तुम जाके आ जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा। कोई नहीं, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है? मिलना वैसे आ भी गया तो कहाँ मिल पाऊंगा? भाई रहेगा ना, थोड़ी है यार। देखना है ना। तो मैं ऐसे भी आ गया तो तुम्हें कौन सा पता चलने वाला मैं हूँ कौन? ऐसे देख के चले जाऊंगा? मैं पहचान लूंगी, ठीक है वो गाना नहीं सुना तुम्हें, तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, उसी में तुम कब वैसा ही मेरे कुछ हुआ। पास है? इन कुत्तियों क्या अरे नाक में मैंने क्या सेंसर्स है क्या बेचारा? अरे मेरे क्या बोलू, क्या? हाँ नॉटी नॉटी बॉय। मैंने बोला आप जब मेरे पास आओगे ना, आसपास रहोगे ना, तो आपकी खुशबू से मैं आपको पहचान लूंगी। मैं वो गटर का पानी छिड़ा के आऊंगा ना फिर मेरी बदबू आएगी। छी, गंदे जी खुद सोच रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा भाई। अच्छा ये सब छोड़ो, मेरा तो कन्फर्म है मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आ भी गया तो तुमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं पहचान लूंगी, देखते हैं ना। देखते हैं क्या मैं पहचान लूंगी। ठीक है चलो, लग गई शर्त, ना ना सरते बस फिर। हैं। अब मैंने आपको देखा नहीं है, पता नहीं आप कैसे हो, कहाँ मिलोगे, कैसे ये भी तो है पहचानोगी? ना। वही तो बट है। शायद थोड़ा बहुत गेस कर लो। नहीं हो ही नहीं सकता, मेरी आवाज़ भी खराब हो रखी ना। और सुनो, आप मुझे कैसे नहीं पहचानोगे? मेरी आवाज़ देखो, फायदा क्या है ना, मेरी आवाज़ भी खराब हो रखी है क्योंकि वो सर्दी खांसी है। तो अगर मैं आके बात भी कर लूँ ना तो भी तुमको पता नहीं चलेगा कि वो मैं हूँ। मैं तो टोनिंग चेंज करके बात करूँगा ना, तो टेंशन ही नहीं। अच्छा जी, देखते हैं। चलो देखते हैं। अच्छा ये नहीं सुनो, पहले अभी अभी मैंने आपको प्यार से, इतने प्यार से मैंने आपको आई लव यू बोला। आप हर बार मुझे बोलते थे कि तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला, लेकिन आप मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं दिया, बताओ। रिप्लाई देना जरूरी है, आई मीन जरूरी है, क्या हो रहा है जरूरी है मेरे ना। साथ? अच्छा तो ऐसे कौन बोलता यार आई लव यू ना, और किस तरह? देखो मुझे कॉल आ रहा है, चलो मैं तुमको लगाता हूँ। ठीक है, किसको ना, दो फिर दस मैं मिनट में अभी लगाता हूँ, अभी उसके बाद कॉल करूँगा। ठीक है चलो, बाय 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 बाय। नहीं ना, हाँ 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 बाय बाय बाय। नहीं। हेलो, हाँ जी बोलो, अरे सॉरी वो कॉल आ गया था ना, किसका आ गया था, आ गया था किसी का। छोड़ो ना, सुनो ना, क्या हो तुम रहा है, कुछ आप ऐसे बता। क्यों क्यों चिढ़ के बात कर रहे हो, क्या हो गया आपको? अरे सुनो ना, वो तुम कुछ बता रही थी ना, तुम जा रही हो, आ रही हो, तो कितने बजे टाइम? यार आप पहले, आप ना चिढ़ो मत प्लीज, सही से मैं बात चिढ़ रहा करो। हूँ, मुझे घाई है, मुझे जाना है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ, फिर बाद में कल बात करेंगे। ठीक है, आज अच्छा नहीं लगता ना आप ऐसे चिढ़ के बात करते हो। अच्छा सॉरी। चलो बोलो जल्दी, बोलो क्या कल कल कितने बजे, सुबह 10 बजे? कहाँ पे? कहाँ पे आपको पता है ना, वो जो जहाँ पे मेरे भैया का रूम था अशोकनगर वाला, वहीं पे स्टे करेंगे हम लोग। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में 10 बजे डॉक्टर का टाइम है।
वापस का कब? यहाँ, डॉक्टर का क्लिनिक है यहाँ पे राजेंद्र नगर पुल के नीचे हाँ ही है ठीक है, वो एड्रेस छोड़ो, उसका वो क्लिनिक। मुझे सब पता है, वो कौन है क्या सब पता है। तुम सुनो ना, मुझे एक बात बताओ, वापस कब जा रही हो? वापस तो 1-2 दिन बाद जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, क्या बोलता है, क्या चेकअप लेगा, उसके बाद फिर मेरा भी चेकअप है ना, अभी क्लियर करना है उसका, ठीक है क्योंकि उसने कॉल करके बोला था ना कि फिर से अल्ट्रासाउंड होगा एक बार, क्लियर ठीक है ठीक है नहीं है वो। हाँ ठीक है, तो तो ना आप प्यार क्या को, आओगे क्या? अरे नहीं आऊँगा यार, बस इन्फॉर्मेशन ले रहा था ना। नहीं आओगे? नहीं अच्छा ठीक है। तुम केयर करना, खुद की भी, पापा की भी, भाई की भी। ओके, भाई को क्या हुआ है, वो तुम्हारी करेगा। अच्छा ठीक है, सुनो चलो मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं लगाता हूँ तुमको। ठीक है, आप ध्यान रखो अपना, कल ठीक है? वैसे चेकअप होने के बाद कब फ्री होने वाली हो, शाम में, सुबह, दिन, कब? 10 बजे के बाद उधर से वापस हो जाएंगे, 12 बजे तक रूम पे, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, हाँ ठीक है, बाय। जी, चलो बाय। हेलो, हेलो, वैसे मैडम जी एक एडवाइस दूँ, बोलो। थोड़ा इधर उधर भी देख लिया करो। किधर? अरे जब कहीं जाती हो तो हर तरफ ध्यान होना चाहिए ना, मतलब आजू बाजू कौन बैठा है, क्या है, कुछ पता तो चाहिए ना। नहीं, मैं नहीं देखती। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, कितनी क्यूट एंड स्वीट एंड भोली भाली सी है ना मेरी वाली। आई है तो आपको कैसे पता? पर साइड में बैठा हुआ था मैं हर टाइम, हर वक्त, मेरे साइड में कब? पिंक कलर के सूट में थी ना। हाँ, पर आप कब कब बैठ कब मिले और कब कहाँ बैठे थे? यानी तुम्हारा ध्यान तो चाहिए, इसीलिए तो बोला स्टार्टिंग में ही कि एक एडवाइस दूँ। आप आए, यानी आप आए थे? हे पूरा टाइम साथ में था। भगवान, सॉरी, मैं पहचान भी नहीं पाई आपको। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत भोली हो यार। अच्छा जी, हाँ जी, बड़ी क्यूट लग रही थी वैसे। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, अभी रूम पे पहुँच गई ना अच्छे से? हाँ पहुँच गई मतलब ऑटो में मैं ही तो था तुम्हें छोड़ने के लिए। ऑटो वाले नहीं, ऑटो वाले की साइड में जो बैठा था, अच्छा, तुमने देखा नहीं कितने मुझे, गंदे हो ना आप, ऐसे ही लड़कियों को घूर घूर के देखते हो। मतलब तुम्हें पता था मैं तुम्हें घूर रहा हूं। पता नहीं, आप बोल रहे हो ना कि थोड़ा इधर उधर भी देख लिया नहीं, करो। मैंने तो सुना है लड़कियों के पास वो सिक्स सेंस होता है ना, जो मैंने तो सुना है लड़कियों के पास वो सिक्स सेंस होता है ना, जो कोई उन्हें घूर रहा है तो उन्हें पता चल जाता है, तो शायद तुम्हें भी चल गया होगा। हाँ, मुझे पता चल रहा था, बट शायद इग्नोर कर दी, मैं ध्यान नहीं देती। अच्छा मैंने ओके, सोचा पता है ऐसी कोई होगा आलतू फालतू का, मैं क्यों देखूं। अरे सुनो, अब सब नॉर्मल हो तुम, है ना, कोई अपेंडिक्स वपेंडिक्स है नहीं। नहीं, वो तो यार सच में बहुत परेशान थी मैं, बट अब क्लियर हो गया अच्छा उन्होंने सुनो, मेडिसिन। ये बीमारी वाली बातें छोड़ो, थोड़ा प्यार कर लेते हैं। मतलब वो नहीं, आज ऐसी आज इतना रोमांस क्यों जाग रहा है? रोमांस नहीं जाग रहा, रोमांस जाग रहा है क्यों रोमांस क्यों ऐसी। ऐसी, मतलब अरे तुम अच्छी लग गई ना मुझे, मतलब कॉल पे आवाज सुन सुन के तो अच्छी लगती थी, अब देख लिया और मैं बुरी लग जाती तो तो भी बताओ, अच्छे तो भी अच्छे नहीं यार। वो क्या, कौन सा डायलॉग है यार वो नहीं, वो ये डायलॉग है ना, सुनो ना क्या डायलॉग है, कि क्या? जो मतलब जो पसंद है वो हुआ तो ठीक, जो नहीं पसंद वो हुआ तो भगवान की मर्जी, और भी ज्यादा ठीक है ना। हाँ अच्छा जी, अच्छा जी, जी हाँ जी, मार खाओगे? अच्छा हाँ, इतनी पतली सी तो मेरे को क्या मारोगी? क्या नहीं पतली सी हारोगी नहीं हूँ, आप मारो। कभी आजमा लिया करना तो पता चलेगा। अच्छा कैसे, कराटे खेलोगे मेरे साथ अब?
पलंग तोड़ वाला गंदे मजाक कर रहा हूँ बेटा जी। हेलो हेलो सुनो, वैसे एक बात कहूँ सच्ची मैं, बोलो। थैंक बहुत क्यूट लग रही थी। यू। क्या और और? मैं आपसे गुस्सा हूं, जाओ। क्यों? आप कितने चिढ़ के बात कर रहे थे यार, मैं इतने प्यार से बात कर रही थी आपसे। ऐसे ही। अच्छा तुमको एक बात कहूँ मैं, क्या? तुमको पता है जब तुम लोग आए और वो ऑटो किया तो तब मैं वहीं पे था, ठीक है, ऑटो में बैठी। तो आप क्या, आपको कैसे पता है कि मैं ही हूं? आपको कैसे पता? और भी तो कोई हो सकता है ना। देखो यार जहाँ तक मुझे पता है ना, वो आने तो तुम बस स्टैंड पे ही थे है ना, तो मैं बस स्टैंड पे आ गया, बस ऐसी जगह पे खड़ा था जहाँ से सब कुछ दिखे अच्छे से, ठीक है, अच्छा। तो बस दिख गई। और बाय लक ना मैं तुम्हारे साइड से गुजरा, मुझे पता नहीं था तुम हो, साइड से गुजरा और तुमने तुम्हारे पापा या भाई यार से तो बात गल कर रही थी ना, तब मेरे को समझ में आया आवाज़ पहचान ली ना। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा आवाज पहचान ली थी। जी, तो क्या, तो और पता है, तो ठीक वो ऑटो में डायरेक्ट तो तुम्हें नहीं देख सकता ना, भाई भी था ना तो मिरर में देख रहा था तुम्हें, क्या मिरर में देख रहा था, मिरर में से आईने में से देख रहा था। गंदे बॉय? इसमें गंदा क्या है, और लड़कियों को ऐसे घूर घूर के देखते हो, बताओ क्या बताओ, तुमको देख रहा था मुझे। इसलिए अगर आपको कोई, तुम, लेकिन एक बात तो कंफर्म है यार, तुम बहुत अच्छी हो, मेरे अलावा किसी प्यार नहीं करती ना, किसी पे लाइन भी नहीं मारती, इसलिए किसी को देख भी नहीं रही थी, ना मैं मेरे तो पे और दो मार्कर चार चलाती हो है ना, लाइन नहीं मारती हो, सीधा मार्कर। अच्छा जी। और बताओ। हाँ ठीक है। अच्छा तुमने कल तो मेरी अच्छे से वो क्या बोलते हैं केयर कर दी, आज आज भी मेरी ट्रांसफर तबीयत कर। खराब है ना, मुझे सर्दी हो रखी है, आज भी केयर नहीं करोगे? अच्छा मतलब बच्चा कैसे हो गई जल्दी? हो गई जैसे होनी थी, होनी थी हो गई, कैसे? होती कैसे है, कैसे कैसे होती है? तो आप गुस्से में बात कर रहे थे जनाब, ठीक है ना? मैं प्यार से बात कर रही थी, आप गुस्से में चिढ़ के बात कर रहे थे मेरे से, बताओ। क्या बताऊं, मैं इतनी खुश थी, बताओ। अरे ये बताओ, ये कोई फायदा नहीं हुआ ना मिलने का, जब मैं आपको देख नहीं पाई, आप चोरी से वो मुझे देख तुम्हारी गए। गलती, तुम्हारी गलती, अरे तुम्हें किसने मना किया था किसी को नहीं, देखो, मैंने कभी इसे कॉल पे कहा कि मेरे अलावा किसी को देखना नहीं, देखा भी तो नहीं है तुमने मुझे, लड़के तो देखे होगे, तो यार क्या होता था, ऑटो पर लाइन मार लेती थी मेरे पे तो। यार तू नहीं देखती ना, मेरी आदत हाँ नहीं है, फिर मुझे मैं नहीं एक नहीं क्वेश्चन, पसंद। तुमको पता है फिर मैं एक क्वेश्चन उठाता था, यार क्या? लड़की अच्छी नहीं है, मतलब लड़के में मतलब सॉरी ऑटो में अच्छा लड़का बैठा है तो उसको घूर घूर के देख रही है, जबकि उसको पता चलेगा कि मैं खुद हूँ तो मैं उसको बहुत बुरा बोलूँगा, मैं ऐसा सोचता था ना, तो अब तुमने क्या सोच देखा, रहे हो? अब तो एक ही चीज़ सोच रहा हूँ, बहुत अच्छी अगर है। सच में मुझे मालूम होता ना, मैं घूर घूर के देखती, पता है? हाँ कितना अच्छा दिखता है ना। लेकिन मुझे पता ही नहीं था ना कि आप आने वाले हो। हाँ जी और क्या करूं, कुछ भी मत नसीब करो, क्या? कुछ भी मत करो। हाँ ठीक है, नहीं कर रही। तुमको देख के मेरी आवाज भी ठीक हो गई। अच्छा जी, बहुत अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा एक सुनो बात ना, बोलूं? हाँ बोलो 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 बोलो। यार सच में आपके लाइफ में मेरी क्या इम्पोर्टेंस है? सच बताना, दिल से बताना। सोच के बता दो, ऐसा क्या मैंने पूछ दिया, बताओ? अगर सच में आप प्यार करते हो अरे तो तुम बहुत अच्छी हो, बहुत क्यूट हो, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इम्पोर्टेंस की, इम्पोर्टेंस क्या, इम्पोर्टेंस क्या किस चीज़ की, कैसी बताओ। यानी आपके लाइफ में मेरी क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है?
अच्छा तो तुमको इम्पोर्टेंस जाननी है, तुमने अभी यहाँ सुनो क्या सुनो ना, क्या इम्पोर्टेंस तुम्हारी ये है कि तुम सबसे पहले तो बहुत अच्छी हो और मेरी सच्ची वाली मोहब्बत हो। और पता है तुमसे जब बात नहीं होती ना तो अच्छा नहीं लगता। और वो कहते हैं ना वो दो जिस्म एक जान वाली बातें, वैसे टाइप का, समझी? कहने सिर्फ कहने भर या फिर रियल में? प्रूफ कैसे करूं तुम बताओ, जो बोलो कर दूं। छोड़ो कुछ नहीं, ठीक वो है वक्त वक्त आने पे पता चल जाएगा खुद ही। ओके। ठीक है। अरे सुनो, चलो मैं भी रखता हूँ, ठीक है? टाइम हो गया ना बहुत। बाय, बाय। टेक हाँ केयर। जी, आप भी। और सुनो, क्या मैं क्या करना? तो केयर करूंगी यार, आप नहीं करते ना। जब भी तो करता आपको भी हूँ, सर्दी हो गई ना। तुम आ जाओ, क्या करना है? वो समय आएगा जब तो। ठीक है चलो, रख रहा हूँ, ठीक है ओके बाय, टेक केयर। बाय।